नमस्कार, आप जो रहा न्यूज 18 गुजराती ने हूँ छु लुबना खान। जो तमाम मोटा ने महत्वपूर्ण समाचार समाचार सुपरफास्ट में खिलैयाओ माटे माठा समाचार। थंडरस्टॉर्म ने कारण नवरात्रि में पड़शे वरसाद, हवामान निष्णात की आगाही। हजू चौमासा की विदाई ना कोई एंधाण नहीं। दमण दरिया में 5 प्रवासी डूबिया, जेमाती 2 लोग ने बचावाया, जयरे 3 की शोधखोळ चालू। लाइट हाउस नजीकना दरिया किनारे बनी घटना, सूरत थी दमण फरवा आव्या हता प्रवासीओ। राजकोटना नवागाम पासे तळाव में 5 डूबिया, 2 लोगोना निपजया मौत, 3 नो आबाद बचाव। तळावना ऊंडा पाणी में गरकाव थता कपड़ा धोवा गईली महिला अने बाळकीनुं मौत, गंभीर हालत में होस्पिटल खसेड़ाता मृत जाहिर कराया। अरवली बायड़ना झांझरी धोध में डूबी जता 2ना मौत। अमदावादना मेघाणीनगर थी पिकनिक माटे आव्या हता 6 लोग। पंचमहाल में खाड़ा में पड़वाथी 8 वर्षनुं बाळकनुं मौत, शहेरानी अणिया चौकड़ी पासेनी घटना। स्थानिक डिजास्टर एकेडमीए बाळकने शोधवा कामगीरी हाथ धरी। बाळक 10 फूट करता ऊंडा खाड़ा में पड़्युं हतुं, रमता रमता बाळक खाड़ा में पड़वाथी निपजी मौत। खाड़ा पासे बेरिकेडिंग न होवाने कारणे बनी घटना। भरूच में बपोर बाद मेघ मेहर गाजवीज साथ वरसाद थता ठेर ठेर भराया पाणी। धोधमार वरसाद ने कारण रस्ताओ पर पाणी फरी वळ्या, वातावरण में प्रसरी ठंडक। डांग जिला में रविवारे पण रह्यु वरसादी वातावरण, आहवा वघई सहित अनेक विस्तार में वरसाद, क्यांक धोधमार तो क्यांक धीमी धारे वरसाद। हवामान विभागे दक्षिण गुजरात में वरसाद की आगाही करी। गिरिमथक सापुतारा सहित आहवा वघई सुबीर पंथक में वरसाद वरस्यो, भारे वरसाद ने कारण गाम में नदियों वहती थी, होटल में पण भराई गया पाणी, खेतरों में पाणी भरायेला रहता खेडूतों नो पाक संपूर्ण निष्फळ। डांग जिला में सतत वरसाद ने कारण डांगर नागली वराई सहित पाकों ने नुकसान, पाक निष्फळ जता खेडूतोए राता पाणी रोवानो आव्यो वारो। लीलो दुष्काळ जाहिर करी सहाय चूकवानी करी मांग। डांग में भारे वरसाद ने पगले नदियों में आया घोड़ापुर, अंबिका गिरा पूर्णा ने खापरी नदी बे कांठे वहती थी, लो लेवल कोजवे पर पानी फरी वड़ता वाहन व्यवहार ने असर थी। डांगना धूलचूंड कुमारबंद आंबापाड़ा सुसरदा सहित अनेक कोजवे पर पानी फरी वड़िया, घोड़ापुर की स्थिति सर्जाता नदी किनारे न जवा लोगों ने तंत्रे करी अपील। नर्मदा डेम में पानी की सतत आवक 138.44 मीटरे पहुंची जड़ सपाटी, 23 दरवाजा खोली छोड़ायु पानी, 26 गामों ने कराया एलर्ट, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम तैनात। सरदार सरोवर डेम में पानी की सतत आवक 3,00,000 क्यूसेक पानी की आवक थता डेमना 23 दरवाजा खोलाया। डेम में नर्मदा नदी में पानी छोड़वामां आव्युं, नीचाणवाड़ा 26 गामों ने एलर्ट अपायु। नर्मदा नदी में पानी छोड़ाता भरूच में नदी बे कांठे वहती थी, गोल्डन ब्रिज पर नर्मदा नदी की सपाटी 19.5 फूटे पहुंची, नदी की भयजनक सपाटी 24 फूट। वहीवटी तंत्रए कांठाना गामों ने सावचेत रहेवा सूचना आपी। वलसाड जिला में 4 दिवस थी सतत पड़ी रहेला वरसादे सर्जी ताराजी, वरसाद ने कारण नदियों बे कांठे वहती थी। कपराड़ा जीरवल गाम की कोलक नदी पानी कोजवे पर थी रह्यु छे पसार, गामना लोगों ने भारे हालाकी। नवसारीना वांसदामांथी पसार थनार वापी शामळाजी नेशनल हाईवे नंबर 56 धोवायो, वाड़ी चोंढा गाम नजीक हाईवे नो रस्तो धोवाता 2 बाइक चालको इजाग्रस्त, बने ने सारवार अर्थे होस्पिटल खसेड़ाया, हाईवे वाहनोनी अवरजवर माटे करायो बंद। उकाई डेमनी जलसपाटी में फरी वधारो, हाल में उकाई डेमनी सपाटी 342.28 फूट, भयजनक सपाटी 345 फूट। उकाई डेम में पानी की 1,42,233 क्यूसेक पानी की आवक, उकाई डेम में 13 दरवाजा 4 फूट खोलवामां आव्या। अरवली में मालपुर नू जूना रक्षेश्वर महादेव मंदिर पानी में गरकाव, वात्रक नदी में पानी प्रवाह वधता महादेव मंदिर नू गर्भगृह पानी में गरकाव थयुं। वात्रक नदी किनाराना अनेक मंदिरों जलमग्न थया, आसपासना खेतरों में पण पूर्ण दृश्यों सर्जाया। वरसादनी सीजन में 4 मास सुधी भगवान रहे छे जलमग्न स्थिति में। राजकोट जेतपुर भादर नदी में 3 बाळकों डूबिया, नदी में नहावा जता बाळकों डूबिया, 3 मांथी 1 बाळकनुं मौत, 2 बाळकों हाल सारवार हेठळ, पाणीनो प्रवाह वधता बाळकों तणाया, स्थानिकोए बाळकोने बहार काढ्या। नवसारीना वांसदा तालुका में नेशनल हाईवे नंबर 56 एक भाग बेसी गयो, वाहन व्यवहार थयो प्रभावित, हाईवे पर पसार थता 2 लोगों ने गंभीर इजा, इजाग्रस्तों ने होस्पिटल खसेड़ाया।
बोटादना राणपुरमां मुख्य मार्ग पर आवेलू नाडू तूट्यू। अलव गांवना पाटिया पासे आवेलू नाडू बेसी गयू। नाडाना थया बे भाग। वाहन चालको जीवना जोखमे मुसाफरी करवा मजबूर। राजकोटमां कमोसमी वरसादने कारणे खेडूतोनो पाक पाणीमां पलळशे नहीं। राजकोट यार्डमां बीओडीनी बैठकमां महत्वपूर्ण निर्णय। बेड़ी यार्डमां 8 करोड़ना खर्चे नवो शेड बनावाशे। जूना मार्केटिंग यार्डमां छापरा बदलवा बीओडीनी बैठकमां लेवायो निर्णय। उपरांत बन्ने मार्केटिंग यार्ड नजीक पेट्रोल पंप पण उभा करवामां आवशे। नवरात्रि शुरू थता ज पीएम गुजरात में झंझावाती प्रवासे आवशे। 5 दिवस में 12 थी वधु जनसभा संबोधशे पीएम मोदी। राज्य ने अनेक विकास कार्यों की भेट आपशे। 29 અને 30 સપ્ટેમ્બરે सूरत भावनगर अंबाजी प्रवासे जशे पीएम मोदी। 9 ઓક્ટોબરે मोड़सा में पीएम संभवित प्रवास। 10 ઓક્ટોબરે जामनगर और भरूच प्रवासे तो 11 ઓક્ટોબરે राजकोट जामकंडोणा प्रवासे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 27મી તારીખે ગુજરાતના પ્રવાસી। રાજ્ય કામદાર વીમા યોજના હોસ્પિટલનું કરશે ખાતમુહૂર્ત। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને ભારે ગરમાવો આવ્યો। ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા રાજકોટના પ્રવાસી। રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બન્યા બાદ જેપી નડ્ડા મંગળવારે સૌરાષ્ટ્રનો પ્રવાસ કરશે। રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાજકોટમાં રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડ પર કરશે સંબોધન। ભાજપના ચૂંટાયેલા સભ્યોને કરશે સંબોધન, જેને લઈને રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડ પર તૈયારીઓ શરૂ। મોરબીમાં રોડ શોમાં આપશે હાજરી। અમદાવાદમાં મળી પ્રદેશ કોંગ્રેસની કારોબારી બેઠક। મારું બૂથ મારું ગૌરવ અભિયાનની તૈયારી। આજ મુદ્દાઓ સાથે કોંગ્રેસ ઉતરશે ચૂંટણી મેદાનમાં। વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પહેલા પ્રદેશ કોંગ્રેસની કારોબારી બેઠક મળી। બુથ ઇન્ચાર્જને પરિણામ સુધી શું કામગીરી કરવાની છે તેની જવાબદારી સોંપાઈ। મારું બુથ મારું ગૌરવ અભિયાન ચલાવશે કોંગ્રેસ। વિવિધ મુદ્દે લોકો સાથે કરશે સંવાદ। કોંગ્રેસના સંકલ્પપત્રો 1.50 કરોડ ઘરોમાં પહોંચાડવાની રણનીતિ ઘડાઈ। 24 થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન 52,000 બુથ મજબૂત કરાશે। આગામી ચૂંટણીમાં પ્રિયંકા ગાંધી કરશે રોડ શો। આ પહેલા ગામે ગામ જઈ તૈયારીઓ શરૂ કરવાના અપાયા સૂચનો। કોંગ્રેસ પહેલીવાર 52,000 સુધી બુથ સુધી કોંગ્રેસના 8 વચન સાથે નાગરિક અધિકાર પત્ર લઈ જશે। ગુજરાત કિસાન કોંગ્રેસના 8 હોદ્દેદારોએ માંગી ટિકિટ। કિસાન કોંગ્રેસના પ્રમુખ પાલ આંબલિયાએ દ્વારકા બેઠક માટે માંગી ટિકિટ, તો કાલાવડ બેઠક પરથી કિસાન કોંગ્રેસના પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ ગિરધર વાઘેલાએ કરી દાવેદારી। મોરબી બેઠક પર કાંતિલાલ બાવરવાએ માંગી ટિકિટ। કેશોદ બેઠક પર મનીષ નંદાણીયાએ, જ્યારે સાણંદ બેઠક પરથી મહાદેવ વાઘેલાએ નોંધાવી દાવેદારી। જસદણ વિછીયા બેઠક પર વિનુભાઈ ધડુક, પાલનપુર બેઠક પર ભરત કરણે માંગી ટિકિટ। ગુજરાત સંગઠનની રચના માટે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને સત્તા આપતો કોંગ્રેસે કર્યો ઠરાવ, સાથે જ રાહુલ ગાંધીને રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ બનાવવાની માંગ કરી। વિપક્ષ નેતા સુખરામ રાઠવાએ સોનિયા ગાંધીને સત્તા આપતો ઠરાવ મૂક્યો, જે સર્વસંમતિથી પસાર કરાયો। આપના સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ ફરી આવશે ગુજરાત। 20 સપ્ટેમ્બરે વડોદરામાં બેઠકને કરશે સંબોધન, પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ કરે તેવી સંભાવના। ધોરાજીના ધારાસભ્ય લલિત વસોયા વેલકમ નવરાત્રીના કાર્યક્રમમાં ભાજપના ધારાસભ્ય જયેશભાઈ રાદડિયા સાથે દેખાયા। લલિત વસોયા ફરી ભાજપના ધારાસભ્ય સાથે દેખાતા ધોરાજીના રાજકારણમાં ગરમાવો। વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 55 બેઠકો પર ક્ષત્રિયોને ટિકિટ આપવાની ગરણીસેનાની માંગ। સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં યોજી વિશાળ બાઇક રેલી। વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 55 જેટલી બેઠકો પર ક્ષત્રિયોને લડાવવાની ઉગ્ર માંગ સાથે રેલી। સમાજના વિકાસ માટે રેલી અને સભાઓનું આયોજન। મહેસાણા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સામેના રોષમાં ડોક્ટર મનીષ દોશીનું નિવેદન, કોંગ્રેસના સભ્યોનું લક્ષ્ય સરકાર બનાવવાનું। ક્યારેક આ પ્રકારનો સંતોષ ઉભો થશે તો બેસીને નિરાકરણ લવાશે, તેમજ આગેવાનો પક્ષ અને જનતાની લાગણી મુજબ કાર્ય કરે છે। વિપુલ ચૌધરીની ધરપકડના વિરોધમાં ધાનેરાના થાવર ગામે ચૌધરી સમાજનું મળ્યું મહાસંમેલન, કોંગ્રેસના નેતાઓ પણ સંમેલનમાં જોડાયા। થાવર ગામમાં અર્બુદા સેનાના બેનર હેઠળ યોજાયું મહાસંમેલન। સામરવાડાથી થાવર સુધી યોજાઈ 8 કિલોમીટર લાંબી બાઇક રેલી। વિપુલ ચૌધરીના સમર્થનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો રહ્યા હાજર। સંમેલનમાં ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણાથી ચૌધરી સમાજના લોકો ઉમટ્યા। મોટી સંખ્યામાં બહેનો પણ પહોંચી અર્બુદા સંમેલનમાં। પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો। પૂર્વ વાઇસ ચેરમેન મૂકજી ચૌધરીનું વિપુલ ચૌધરીની ધરપકડને લઈને વિવાદિત નિવેદન, રિમાન્ડ બાદ 8મા દિવસે મુક્તિ આપવાની માંગ કરી। કહ્યું વિપુલભાઈને નહીં પણ સમાજને પૂર્યો છે જેલમાં।
मुगजीभाई चौधरी उच्चारी चीमकी, विपुल चौधरी ने नहीं छोड़वामां आवे तो समाज जेल भरशे, कह्यु छोड़ाशे नहीं तो राज्य बहारथी पोलीस बोलावी पड़शे, जेल अने पोलीस बन्ने पड़शे ओछा। 25 सप्टेम्बरे बनासकांठाना ढीमामां मळशे अर्बुदा सेनानुं सम्मेलन, विपुल चौधरीनी हाजरी नहीं होय तो गांधी चिंधिया मार्गे आंदोलन छोड़वानी समाजना आगेवानोए उच्चारी चीमकी। सम्मेलनमां साधु संतो साथे कोंग्रेसना धारासभ्यो पण हाजर। धारासभ्य गुलाबसिंह राजपूत थरादमां पड़तर प्रश्नोने लईने उतर्या उपवास पर, मेडिकल टीमे गुलाबसिंह राजपूतनुं कर्युं मेडिकल चेकअप, धारासभ्यने पोलीस बंदोबस्त पण अपायो। परबत पटेले गुलाबसिंह पर कर्यो प्रहार। चेरमेन दिलीप संघाणी अध्यक्ष स्थाने गुज कोमासोलनी 61मी साधारण सभा मळी, सहकारती समृद्धि साथे सरकार चालती होवानुं वाइस चेरमेन बिपिन पटेलनुं निवेदन। चालू वर्षे गुज कोमासोले 11,72,55,000 कर्यो नफो। सारू काम करनारा कर्मचारीओने वधारे पगार आपवानी दिलीप संघाणीनी जाहेरात। मगफळी अने चणानी खरीदीमां गुज कोमासोलने करोड़ोनो नफो थयो होवानी करी वात। लवजेहाद सामे पाटीदार आगेवान अने विश्व उमिया फाउंडेशनना प्रमुख आरपी पटेलनुं मोटुं निवेदन, कह्युं लवजेहाद सामे समाजे संगठित सजग थवुं पड़शे, लवजेहादना बनावो रोकवा वालीओने कर्युं सूचन। दरेक घरमां एक धर्म सभानुं आयोजन करवा वालीओने आरसी पटेले कर्युं सूचन, कह्युं संतानो साथे मैत्रीपूर्ण वातावरण उभुं करी संवाद करो। बनासकांठाना डीसामां योजायो हतो पाटीदार समाजनो स्नेह मिलन कार्यक्रम। गांधीनगरमां पूर्व सैनिकोनुं आंदोलन यथावत, पूर्व सैनिको पोतानी पड़तर मांगणीओ पर अडग, मेडल परत करवा राज्यपालनो मांग्यो समय, मेडल परत करी निवृत्त सैनिको नोंधावशे विरोध। गांधीनगर सचिवालय बहार पूर्व सैनिको धरना पर, माजी सैनिक सेवा फाउंडेशनना बे लोको राज्यपालने आपशे पत्र, पूर्व सैनिको छेल्ला 6 दिवसथी 14 जेटली पड़तर मांगो साथे बैठा छे धरना पर। माजी सैनिकोना आंदोलन पर बोलिया गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी, मोटा भागनी मांग थोड़ा दिवस अगाउ ज संतोषवामां आवी होवानुं निवेदन, कह्युं जमीन तात्कालिक फाळवी शक्य नथी, निर्धारित समयमां मांग स्वीकारी लेवाशे। पंचायत हस्तकना आरोग्य कर्मचारीओना आंदोलन मुद्दे सरकार साथेनी बैठक फरी रही निष्फळ, बैठकमां न आव्युं कोई निराकरण, केटलीक बाबतो पर चर्चा बाकी, सोमवारे फरी 5 मंत्रीओनी कमिटी साथे योजाशे बैठक। गांधीनगरना शेरथामां मालधारी वेदना महासभानुं आयोजन, ढोर अंकुश नियंत्रण कायदो रद्द करवा अने गौचर जमीनो परत करवानी मांग, सरकार गुमराह करती होवानो मालधारीओनो आक्षेप। मालधारी वेदना महासभामां मोटी संख्यामां लोको रह्या हाजर, विधानसभा सत्र दरमियान विरोध अंगे कराई चर्चा, कार्यक्रममां एमएलए रघु देसाई, लाखा भरवाड रह्या हाजर। મહેસાણામાં વિસનગરમાં ખેડૂતોના ધરણા દરમિયાન પોલીસે ખેડૂતોની અટકાયત કરી, આ દરમિયાન એક ખેડૂતની તબિયત લથડતા ખેડૂતને પોલીસ વાનમાંથી ઉતારીને તાત્કાલિક સારવાર અપાઈ, ખેડૂતને વધુ સારવાર અર્થે મહેસાણા સિવિલ લઈ જવાયો। રાજકોટમાં એસટી નિગમના કર્મચારીઓનું આંદોલન, વિવિધ પડતર માંગણીઓને લઈને આંદોલન, એસટી કર્મચારીઓએ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી નોંધાવ્યો વિરોધ, 21 અને 22 સપ્ટેમ્બરે એસટી કર્મચારીઓ કરશે ઘંટનાદ। प्रभारी मंत्री जीतूभाई वाघाणी राजकोटनी मुलाकाते, पूर्व सीएम विजय रूपाणीना ट्रस्ट दीक्षा ग्रहण अने तेजस्वी छात्रोना आयोजनमां लीधो भाग, राज्यमां चालता आंदोलन पर वाघाणीए सेव्यू मौन। बोटाद शहेरनी सोसायटीमां राजकीय पक्षोनी नो एंट्रीना लाग्या पोस्टर, शहेरना पाड़ियाद रोड पर आवेला हाउसिंग बोर्ड विस्तारमां लाग्या पोस्टरो, हाउसिंग बोर्ड विस्तारमां गटर सफाई अने ब्लॉक नाखवानी कामनी मांग। संघ प्रदेश दमण दीव अने दादरानगर हवेलीना भाजप प्रमुख विरुद्ध फरियाद, दमणमां दिलीपनगरना एक बिल्डिंगमां गैरकायदे प्रवेश करी तोड़फोड़ करी, नानी दमण पोलीस स्टेशनमां दीपेश टंडेल विरुद्ध फरियाद नोंधाई। ऊंझाना उनावामां सामाजिक एकता भारत जोड़ो अने विविध मुद्दे प्रतिकारक रेली योजाई, यात्रामां कोंग्रेसना आगेवानो जोड़ाया। साबरकांठामां रखडता ढोरनो त्रास, हिम्मतनगरना महावीरनगरमां आंकलावे बाइक पर जईने रहेला परिवारने अड़फेटे लीधा, हडियोल सोसायटी पासे बन्यो बनाव, आंकलानो आतंक सीसीटीवीमां कैद थयो। राजकोटमां अटिका फाटक पासे ट्राफिक वोर्डने वाहन चालको पासेथी पैसा उघराव्या, जागृत नागरिके वीडियो उतारीने वायरल करता पोलीसे ट्राफिक वोर्डनने सस्पेन्ड कर्यो। टीम निरीक्षण माटे आवे ते पहला तोफानी तत्वोए मैदान खोदी नाख्यू, सौराष्ट्र युनिवर्सिटीना हॉकी ग्राउंड में बन्यो बनाव, युनिवर्सिटी सत्ताधीशोए तात्कालिक ग्राउंड रिपेर कर्यू, नेशनल टूर्नामेंट माटे हॉकी स्विमिंग स्पर्धानी राजकोटने फाळवणी कराई।
हॉकी ग्राउंड ने नुकसान पहुंचाड़वा अंगे नोंधाई फरियाद, 5-7 व्यक्तिओ सामे यूनिवर्सिटी पोलीस स्टेशन में फरियाद दाखल। नेशनल टूर्नामेंट माटे राजकोट ने 2 रमतोनी कराई छे फाड़वणी। कच्छमां अनुभवायो भूकंप, बपोरना समय 3.5 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો, ભચાઉથી 13 કિલોમીટર નોંધાયો ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિંદુ। નવસારીના રાયચંદ રોડ શાહ ડેરીની પાછળ જર્જરિત મકાન ધરાશાયી થયું, રાત્રે 3 વાગે મકાનનો કાટમાળ પડતા લોકો ભયભીત થયા। ફાયર વિભાગે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને બાજુનું મકાન ખાલી કરાવ્યું, પોલીસે રોડ બંધ કરાવ્યો। જર્જરિત મકાન હોવા છતાં પાલિકાએ કોઈ નોટિસ ન આપી હોવાનો સ્થાનિકોનો દાવો। धराशायी थे मकान अंगे मकान मालिक और भाड़वात वच्चे कोर्ट केस छे कार्यरत। सुरेन्द्रनगर सायलाना नवागाम नजीक सीएनजी संचालित टेम्पो में विस्फोट, 2ना मौत, मृतक पिता पुत्र होवानी शक्यता, सायला पुलिस मामलतदार घटनास्थले पहुंचा। सूरत में सचिन जीआईडीसी में कोकोकोला कंपनी में ब्लास्ट, एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग इजाग्रस्त। होजीवाला फायर और पांडेसरा फायर की 2 गाड़ियों घटनास्थले पहुंची, लोगों में भयनो माहौल। वापी सुप्रीत केमिकल कंपनी में लागेली आगनो मामलो, कंपनी काटमाळ नीचे थी 3 कामदारों अर्ध सड़गेली हालत में मळ्या मृतदेह, 3 कामदारों गायब होवा छता कंपनी संचालकों सेव्यू मौन, जीआईडीसी पोलीसे हाथ धरी तपास। कामदारों घरे परत न आवता परिवारजनों कंपनी संचालक और पुलिस ने करी हती जाण। तपास दरमियान काटमाळ नीचे थी मळी आव्या 3 मृतदेह जाण होवा छता कंपनी संचालकों मौन रही घटना ने दबावानो प्रयास कर्यो। जामनगर में युवके माथा में गोली मारी ने आपघात कर्यो, खीजड़िया कालावड़ बायपास वच्चे बनाव बन्यो, कार में युवके पोताने गोली मारी आपघात कर्यो, युवक ने आपघात नो कारण हजू अकबंध, पंचकोशी ए डिविजन एलसीबी पुलिस से तपास हाथ धरी। अमदावादना सरदारनगर में असामाजिक तत्वों आतंक, गोमतीपुर विस्तार में 2 राउंड फायरिंग, 4 समूह एक युवक पर छरी वड़े हमलो कर्यो, सारवार दरमियान एक युवक नु मौत, एक सारवार हेठळ। अंगत अदावत में हमलो कर्यानु अनुमान, पोलीसे गुनो नोंधी आरोपियों ने पकड़वा तपास हाथ धरी, 4 आरोपियों धरावे छे गुनाहित इतिहास। जामकंडोणाना सोळवदर में पति पत्नी की करी हत्या, पतिए मित्रों साथे मळीने आचर्य दुष्कर्म, बाद में बबाल थता हत्या करी, पुलिस 3 आरोपी की करी धरपकड़। भरूचना अंकलेश्वर में 12 वर्षनी बाळकी साथे दुष्कर्म, पाड़ोश में रहता 55 वर्षीय आधेड़े बाळकी साथे दुष्कर्म आचर्यु, पुलिस आरोपी ने झड़पीने कार्यवाही हाथ धरी। अमदावादना पिताए पोतानी 9 वर्षनी बाळकीने डाम आप्या, बाळकी घरकाम न करती होवाथी पिताए आप्या डाम, बाळकीना मामाए बाळकी साथे पूछपरछ करता घटनानी जाण थई, हालमां बाळकीनो पिता फरार। अमदावादना शिवरंजनीमां आवेल हरित ज्वेलर्समां थई चोरी, ग्राहकना स्वांगमां आवेली महिला नजर चूकवीने 75,000ना दागीना लईने थई गई फरार, पोलीसे सीसीटीवीना आधारे हाथ धरी तपास। जेतपुर में तस्करों पुलिस ने पड़कार, सतत धमधमता रोड पर आवेली दुकान में करी चोरी, 6 मोबाइल और 40,000 रोकड़ रकम की चोरी करी, दुकान में ठंडा पीणा और नाश्ता की मौज करता तस्करों सीसीटीवी में कैद थया। आणंद में सामरखा चौकड़ी नजीक इंडियन मोटर्स गैरेज में तस्करों त्राटकिया, ऑफिस में 25,000 की रोकड़ रकम की करी चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद, आणंद टाउन पुलिस तपास हाथ धरी। अमदावाद में आस्ट्रोडिया दरवाजा पास खाणी पीणी बजार में असामाजिक तत्वों त्रास, असामाजिक तत्वों बजार में खुली तलवार लईने तोड़फोड़ करी, घटना सीसीटीवी में कैद, गायकवाड़ हवेली पुलिस गुनो नोंधी तपास हाथ धरी। अमदावाद वेजलपुर में सीनियर सीटिजन ने तेनाज घर में बंधक बनावनार आरोपी ने पुलिस झड़पी पाड़ा, 3 आरोपीए वृद्ध ने घर में 24 कलाक सुधी बांधी राखी, तेनी पासे थी रोकड़ और मोबाइल चलावी थी लूट। आरोपीए वृद्ध पास दस्तावेजों पर पण सही करावी हती, वृद्ध की सामे रहता युवके आरोपी ने वृद्ध एकला रहता होवानी बातमी आपी हती, आरोपीए वृद्ध की 10 दिवस सुधी करी हती रेकी, पोलीसे फरियाद आधारे 3 आरोपी ने करी धरपकड़। अमदावाद में युवक पर जीवलेण हुमलो करायो, 4 लोगों अंगत अदावत में कर्यो हुमलो, अमराईवाड़ी पोलीसे तपास हाथ धरी। वलसाड़ी सिंगर वैशाली की हत्या केस में मुख्य आरोपी बबीताए ज्युडिशियल कस्टडी में दीकरी ने जन्म आप्यो, वैशाली मर्डर केस में 3 आरोपी ने थई छे धरपकड़, जारे एक फरार। अरवली मोड़ासा में धोरण 12 विद्यार्थी आपघात, रहनाक मकान में पंखा थी गड़े फांसू खाई करो आपघात, विद्यार्थी आपघात कारण अकबंध, पुलिस 108 की टीम घटनास्थले पहुंची।
अमदावाद में महिलाए श्वान ने मार मारी ने मौत ने घाते उतार्यो। महिलाए एक महिला सामे वस्त्रापुर में पुलिस फरियाद नोंधावी, पुलिसे गुनो नोंधी तपास शुरू करी। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले सिंगापुर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साथ करी मुलाकात। सिंगापुर गुजरात ने भारत व्यापारिक संबंधों सेतु कराशे सुदृढ़। सीएम भूपेन्द्र पटेले कहू सिंगापुर गुजरात और भारत संबंधों लांबा गाड़ा रोकाण सानुकूल माहौल उभो कर। अंबाजी मंदिर में वेचाता मोहनथाड़ प्रसाद पैकिंग बदलवामां आव्युं। कागड़ना बॉक्स की जगह पॉलीमर बॉक्स में मळशे प्रसाद। प्रसाद माटे 25 रूपया 100 ग्राम पैकेट अपाय छे। नवरात्रि ने लईने पूरजोश में तैयारी शुरू। अमदावाद जीएमडीसी ग्राउंड हॉल खाते तैयारी शुरू। ग्राउंड में जवा माटे कुल 8 गेट बनावामां आवशे। गेटे हेरिटेज लुक आपवामां आवशे। मेन गेटना 3 दरवाजा रेप्लिका प्रमाण बनावाशे। वीआईपी माटे ग्राउंड में अलग डॉम बनावामां आव्यो। तमाम डॉम वॉटरप्रूफ बनावामां आवशे। वरसाद विघ्न न बने ते रीते तैयारी कराई। अमदावाद में लॉ गार्डन में जोवा मळी अनोखी रौनक। नवरात्रि तहेवार अंगे खरीदी करवा लोकोनी भीड़। अनेक स्थळों थी लोको खरीदी माटे उमटिया। अमदावाद में लॉ गार्डन विस्तार में नवरात्रि की खरीदी करवा लोको उमटिया। चणिया चोली केडिया सहित वस्तुओं की खरीदी माटे लोको उमटिया। कोरोना काल ना 2 वर्ष बाद धामधूम थी नवरात्रि की उजवणी ने लईने लोको मां उत्साह। धोराजी रोड पर आवेल पाटी प्लॉट में कोरोना काल ना 2 वर्ष बाद वेलकम नवरात्रि नु आयोजन। कार्यक्रम में कमाभाई मुख्य मेहमान तरीके हाजरी आपता आयोजकों साफो ने हार पहेरावी स्वागत कर्यु। कोठारियाना कमानी विदेश में पण लोकचाहना। अमेरिका में कीर्तिदान गढ़वीना कार्यक्रम में कमा माटे 500 डॉलर की भेट की जाहरात। गुजराती हरिभाई नामना व्यक्ति कमा ने याद करी डॉलर में पुरस्कार जाहिर कर्यो। गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवीए अंगदान पर बनावेलो गरबो कर्यो लॉन्च। गांधीनगर सर्किट हाउस में योजायो कार्यक्रम। अंगदान ने लईने लोको वधु जागृत थाय ते माटे अंगदान चेरिटेबल ट्रस्टे बनाव्यो छे गरबो। कार्यक्रम में हर्ष संघवीनुं निवेदन कह्युं अंगदान की दृष्टिए गुजरात ने मानवामां आवे छे रोल मॉडल। मनुभाई रबारी संकलन थी तैयार करेलो गरबो लोकोमां अंगदान की प्रेरणा वधारे सार्थक साबित करशे। अमदावादना टागोर हॉल में कच्छी जैन सेवा समाज स्नेह मिलन समारंभ। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य रहा उपस्थित। सीएमए कह्युं डबल एंजीन की सरकार हाल विकासना मार्गे वधी रही छे आगळ। नवसारी में विहार सेवा भागरूपे मळ्युं जैन समाज सम्मेलन। साथे जैन बाळकी अरिहा ने जर्मनी सरकार पास थी मुक्त करावा समाज आव्यो आगळ। विशाळ रेली योजी भारत सरकार पगला ले ते माटे रजूआत करी। अमदावाद में स्वच्छता माटे वधु एक पगलू। प्रधानमंत्रीए स्वच्छ भारत माटे बीजो तबक्को शुरू कर्यो। एएमसी सॉलिड वेस्ट द्वारा यूथ रेली उजवामां आवी। इंडियन स्वच्छता लीग यूथ रेली आयोजन करवामां आव्युं। सूरत खाते 36मा नेशनल गेम्स कार्निवल की गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी द्वारा शुरूआत। हर्ष संघवी जणाव्युं 29 तारीखे गुजरात माटे खूब महत्वनी केम के पीएम नरेन्द्र मोदी 36मी नेशनल गेम्स उद्घाटन करशे। भारतना सौथी मोटा रमतोत्सव 36मी नेशनल गेम्स आयोजन। नेशनल गेम्स पूर्वे गुजरातना खेलाड़ियों करी रह्या छे तनतोड़ मेहनत। अमदावादना निकोल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला फूटबॉल की टीम करी रही छे प्रेक्टिस। एवी त्रण रमतगमत ने प्रोत्साहन आपी गुजरात राज्य आज रमतगमत क्षेत्र सर्वांगी विकास में अग्रेसर बन्यो। तो बुलेटिन में हाल बस आटलू ज। तमाम महत्वपूर्ण समाचार माटे आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। नमस्कार।